नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का इंग्लिश चैप्टर 2 है, और ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। इसका जो है हम लोग मीनिंग देखेंगे, मैंने शब्द उच्चारण अर्थ और मीनिंग, ठीक है। तो दोस्तों, और इसकी जो है शॉर्टकट में कहानी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ये गाइड है दोस्तों, और गाइड के ही जो है हम मीनिंग वगैरह और शब्द उच्चारण अर्थ बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस कहानी का संक्षेप में सारांश यही है कि लेंचो एक पारिश्रमिक जो है किसान को जो है तबाही का सामना करना पड़ता है। मुसीबत में वह भगवान की ओर से जो है प्रेरित होता है, भगवान की ओर प्रेरित होता है, और पैसे के लिए उन्हें एक पत्र लिखता है। उसे एक पत्र प्राप्त होता है जो भगवान से आया है। इसमें कुछ पैसे हैं, देखिए कि किसने वह पत्र लिखा है और क्या लेंचो ने पैसे प्राप्त करने पर धन्यवाद किया कि नहीं किया, ठीक है। तो इसका जो है हम लोग मीनिंग देखेंगे, ठीक है, शब्द उच्चारण अर्थ सहित है देखेंगे। तो आप लोग भी अपने कॉपी में नोट करके, और चाहिए आप लोग को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वर्ड मीनिंग, और वर्ड मीनिंग में है पहला एंटायर। एंटायर माने होता है संपूर्ण, एंटायर माने संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब पूरा, ठीक है। क्रेस्ट, क्रेस्ट माने होता है पहाड़ की चोटी, पिक माने होता है पहाड़ की चोटी, या क्रेस्ट माने पहाड़ की चोटी। इसके बाद से है डाउनपोर, डाउनपोर माने होता है मूसलाधार वर्षा, माने मूसलाधार वर्षा का मतलब तेज वर्षा, ठीक है, जबरदस्त पानी का गिरना। इसके बाद से है डाउनपोर, डाउनपोर माने होता है मूसलाधार वर्षा। इसके बाद से है सावर, सावर माने होता है हल्की वर्षा या बौछार, हल्की वर्षा या बौछार। इसके बाद से है इंटीमेटली, इंटीमेटली माने होता है घनिष्ठ रूप से, इंटीमेटली माने घनिष्ठ रूप से। इसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं प्रेडिकेटेड, प्रेडिकेटेड माने होता है भविष्यवाणी की, फॉरटोल्ड, फॉरटोल्ड माने भविष्यवाणी की, इसका सेम मीनिंग है। इसके बाद से है अप्रोचिंग, अप्रोचिंग माने या अराइविंग माने पहुंचना, अप्रोचिंग या अराइविंग, अराइविंग माने पहुंचना। इसके बाद से है मील, मील या फूड, फूड माने भोजन, मील माने भी भोजन या दोपहर का भोजन, ठीक है। इसके बाद से आगे देखते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ 4 से है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या है। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड माने होता है संतुष्ट, सेटिस्फाइड माने क्या होता है, संतुष्ट। इसके बाद से है रिगार्डेड, रिगार्डेड माने होता है ध्यान से देखना, लुक, लुक्ड अटेंटिवली, लुक्ड अटेंटिवली माने ध्यान से देखना। इसके बाद से है ड्रैपेड, ड्रैप्ड, ड्रैप्ड माने होता है ढका हुआ, या कवर्ड वा या जो है रैपेड, कवर्ड या रैपेड माने ढका हुआ। इसके बाद से है हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स माने होता है ओले, हेल स्टोन माने क्या होता है, हेल स्टोन माने होता है ओले। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रोजन मास ऑफ आइस, फ्रोजन मास ऑफ आइस माने भी होता है ओले। इसके बाद से है ट्रूली, ट्रूली माने होता है वाकई, ट्रूली माने वाकई या रियली माने होता है वाकई। इसके बाद से है रिजेम्बल, रिजेम्बल माने होता है मिलना, मिलना शक्ल का मिलना। लुक लाइक सिमिलर टू, लुक लाइक सिमिलर टू माने होता है मिलना, शक्ल का मिलना। इसके बाद से है एक्सपोजिंग, एक्सपोजिंग यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपोजिंग माने होता है नहाते हुए खुला छोड़ना, बाथिंग इन, बाथिंग इन या सोविंग, नेकेड बॉडीज, नेकेड बॉडीज माने नहाते हुए खुला छोड़ देना अपने आप को, माने नहाना, ठीक है, बरसात में। इसके बाद से है फ्रोजन पल्स, फ्रोजन पल्स माने होता है ओले जमे हुए मोती, यानी कि हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स माने ओले या जमे हुए मोती। इसके बाद से है डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड माने होता है नष्ट करना, नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉयड माने क्या होता है, नष्ट कर दिया। रुइंड माने क्या होता है, नष्ट कर दिया। इसके बाद से है सर्टेन, सर्टेन माने होता है, नहीं कर्टेन ही पढ़ेंगे इसको, सर्टेन नहीं पढ़ेंगे, कर्टेन पढ़ेंगे। कर्टेन माने होता है आवरण,
वेल, वेल मतलब होता है आवरण। इसके बाद से है यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग लोकस्ट, लोकस्ट मतलब होता है टिड्डी दल, लोकस्ट मतलब टिड्डी दल, काइंड ऑफ इंसेक्ट, काइंड ऑफ इंसेक्ट मतलब एक तरह एक प्रकार के जो है कीट पतंगे होती हैं टिड्डी दल, ठीक है, जो एक साथ जो है लगते हैं और पूरा फसल को बर्बाद कर देते हैं। सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब होता है अकेला, लोनली मतलब भी होता है अकेला। इसके बाद से है इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड मतलब होता है बताया या निर्देश दिया, इन्फॉर्म टोल्ड, इन्फॉर्म टोल्ड मैंने बताया या निर्देश दिया। इसके बाद से है कॉन्शियंस, कॉन्शंस, कॉन्शंस मैंने होता है अंतर आत्मा अंतःकरण, इनर सोल, इनर सोल मैंने अंतर आत्मा अंतःकरण। इसके बाद से होता है इनवेलप, इनवेलप मैंने होता है लिफाफा, इनवेलप मैंने होता है लिफाफा। इसके बाद से रैपर मना भी होता है लिफाफा। इसके बाद से इम्प्लाइज है, इम्प्लाइज या वर्कर मना होता है कर्मचारी। इसके बाद से है एमीएबल, एमीएबल मना मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टैपिंग, टैपिंग मना होता है थपथपाते हुए, स्ट्रोकिंग, स्ट्रोकिंग मैंने ऐसे जो है पीठ पे जब थपथपाते हैं वही है मैंने थपथपाते हुए, ठीक है। उसके बाद से है इविडेंट, एविडेंट मैंने होता है स्पष्ट, क्लियर, ओके। इसके बाद से है क्रॉस्पॉन्डेंस, क्रॉस्पॉन्डेंस मैंने होता है पत्राचार, लेटर राइटिंग, एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, ठीक है। इसके बाद से है रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मैंने होता है दृढ़ निश्चय, फर्म डिसीजन, फर्म डिसीजन मैंने दृढ़ निश्चय। इसके बाद से है चैरिटी, चैरिटी मैंने होता है क्या, चैरिटी मैंने क्या होता है तो उदारता या पुण्य, चैरिटी मैंने क्या होता है उदारता या पुण्य। इसके बाद से है फॉलोइंग, फॉलोइंग मैंने होता है आने वाला, कमिंग मैंने आने वाला। इसके बाद से है कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मैंने होता है सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन मैंने होता है संतुष्टि। इसके बाद से है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मैंने होता है विश्वास, बिलीफ मैंने होता है विश्वास। तो इसको आप लोग जो है अपने कापी पे नोट करके और इसको जो है पर डे पांच पांच मीनिंग भी याद करेंगे ना तो इस समय आराम से याद हो जाएगा। लिक्ड, लिक्ड मैंने होता है थूक लगाया चाटा, ठीक है। मोइस्टेंड विथ स्पिटल, स्पाइटल, ठीक है, मोइस्टेंड विथ स्पाइटल मैंने होता है थूकना, ठीक है, थूक लगाया चाटा, जैसे कि कुछ चिपका के कुछ चिपकाना होता है तो थूक लगा के भी हम लोग चिपका देते हैं, तो उसी तरह से थूक लगा के एक टिकट आता है तो उसको जो है चिपकाया जाता है, थूक लगा देने पर आराम से चिपक जाता है वो टिकट लेटर पे जो साटना वाला आता है। इसके बाद से है एफिक्स्ड, एफिक्स्ड मतलब होता है चिपकाया, एफिक्स्ड मतलब चिपका दिया, ठीक है। इसके बाद से है स्टक टू, मैंने इसी का सेम मीनिंग है स्टक टू ग्लूड, ठीक है। इसके बाद से है बंच, बंच मैंने होता है ग्रुप या समूह, बंच मैंने होता है BUNCH, बंच, बंच मैंने ग्रुप, ग्रुप मैंने होता है समूह। इसके बाद से क्रुक्स, क्रुक्स का जो है डिसऑनेस्ट पीपुल और इसका मतलब होता है बेईमान, क्रुक्स मैंने क्या होता है बेईमान, ठीक है। आगे देखते हैं, एक भी मीनिंग नहीं है तो यही लास्ट मीनिंग था, तो यह जो है इस चैप्टर का मीनिंग जो है वर्ड मीनिंग ख़त्म हुआ। तो अगले दिन अगले चैप्टर का जो है आप लोगों को वर्ड मीनिंग मिलेगा और आप लोगों से हम चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें सभी मीनिंग को आप लोग कॉपी पे नोट कीजिए और उसको जो है याद करने का प्रयास कीजिए, बिना याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।